वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यश वेंडरर्स। हम जा रहे हैं आज सांवरे, हनुमान जी का मंदिर है फतेहपुर सीकरी से आगे, ये हमारी कल्लो, इसके ऊपर जाएंगे हम। ये गौरव भाई हमारे पार्टनर, साथ में हम जा रहे हैं। ठीक है गाइस, बाय बाय। हम ये आ गए थे उत्कर्ष की शॉप पर, ये हमारा मित्र है उत्कर्ष और ये हमारे मनीष भैया। अब हम यहाँ से बस सीधे निकलेंगे, आप तो सीधे रुकेंगे सांवरे सीधे, और फिर आपको दिखाते हैं मंदिर। और एक बॉम्बास्टिक साइड आई खा रहे हैं चॉकलेट। कौन सी चॉकलेट खा रहे हो भाई? फाइव स्टार। मीठा मुंह हो गया गाइस, अच्छा सा ब्लॉग बनाते हैं आपके लिए और आते हैं जल्दी फिर। ओके गाइस, अभी हम थोड़ा ही दूर पहुंचे थे और गाड़ी में आगे वाला टायर में इतना बड़ा चोबा घुसा हुआ था, हवा कम थी, हमें लगा हवा कम है, बट इतना बड़ा चोबा घुसा हुआ था आगे वाले टायर में। तो अब ये पंचर ठीक कर रहे हैं, छोटा सा लड़का, छोटा सा लड़का ये पंचर कर रहा है। बताइए गाइस क्या हो रहा है, अभी निकले ही थे, चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है, अब हुआ ये पंचर ठीक, फिर निकलते हैं आगे। ओके गाइस, देखिए गाइस पंचर जुड़ गया है, की घुसी थी, अब और भी पंचर चेक करा लेते हैं, जा रहे हैं। तो गौरव भाई क्या हो रहा है? ये हमारी गाड़ी पंचर हो गई, पता नहीं कब की घुसी हुई थी इसमें, चलिए हालांकि अभी निकल गई है गाइस, पंचर जुड़वा लिया है तो सीधे जा रहे हैं सांवरी, रुकेंगे अब तो सीधे। ठीक है गाइस, ओके। गाइज हम पहुंच गए हैं फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी से हमारा क्या काम, हम तो सनातनी है तो हमारा काम तो है नहीं मजा रहूँगा कोई, हम तो अब इधर से लेफ्ट मुड़ के जाएंगे सांवरे हनुमान जी के मंदिर। फतेहपुर सीकरी से अभी 15 किलोमीटर आता है, 15 से 20 किलोमीटर है तकरीबन, लास्ट स्टॉप ही मान लो हमारा, अब तो सीधे अब सांवरे को मिलते हैं। अब गाइज आप हेलो गाइज, हम पहुंच गए हैं मंदिर, मंदिर पहुंच गए हैं, यहाँ पे दर्शन करेंगे आपको और बताएंगे मंदिर के बारे में। ठीक है जी, ओके गाइज। दर्शन कर लिए हैं सांवरे वाले बाबा के, या ताल वाले बाबा, ये यहाँ पे पहले ताल हुआ करता था, यहाँ पे ताल हुआ करता था, इसीलिए इनको ताल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है।
और ये अद्भुत मंदिर है बालाजी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, आपने सुना होगा ये हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ पर बालाजी का बाल रूप है, उनका नाम बालाजी है। तो ये सांवरे यहाँ पे मान लो कि हनुमान जी यहाँ पे अपनी युवा अवस्था में है, पूरे चरम पर है। तो यहाँ पर भी जो लोग आते हैं उनका इलाज होता है, जिन पे नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेतों का साया होता है तो उनका इलाज यहाँ पे चलता है। लोग महीनों महीनों यहाँ पे रहते भी हैं और अपना इलाज करवाते हैं। बहुत ही एनर्जी आप इस मंदिर आओगे तो आप फील करोगे, वो उस ताकत को उस ऊर्जा को आप महसूस करोगे जब आप हनुमान जी के सामने होते हो, आप बैठे होते हो तो अलग होता है। और राम जी, हनुमान जी सामने राम जी हैं, बहुत ही एक पावरफुल एनवायरनमेंट है, एक ऊर्जा का बहुत पावरफुल मैंने जो फील करा है यहाँ पर। मैं पहले भी आया हूँ ये मंदिर और हमेशा इधर आके शांति मिलती है। हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, बहुत अंदर जाकर है। तो हम तो लेट हो गए तो भीड़ आपको काफ़ी कम, कभी तो हमें कम मिली, वरना इधर ट्यूसडे को, मंगलवार को और शनिवार को यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पे एक सुबह 6 बजे की आरती होती है, 12 बजे की आरती होती है, यहाँ पर आपको जगह भी नहीं मिलती बाहर तक भी, और दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, दूर दूर से। पर इस टाइम तक लोग जाना मोस्टली तो चले ही जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी अंदर बढ़ जाता है, शहर से काफ़ी अंदर है एकदम। आप देखिए पूरा ठेठ गाँव के बीच में है ये, तो इस टाइम तक लोग निकल जाते हैं। और बस, और बस जय हनुमान जय श्री राम। हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम जाएंगे घर। और बस मंदिर आने के बाद तो जो सुकून शांति सी होती है वो थोड़ा सा फील कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रहा। बाकी आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं, ये दर्शन काफ़ी अच्छे हुए, बैठ के हमने आराम से उधर 7 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ ली, हनुमान चालीसा पढ़ी, राम जी की स्तुति करी। हनुमान जी के सामने हमेशा राम जी का नाम लिया करो आप, तो ज़्यादा प्रसन्न होंगे, ये सच्चाई है। आप जिनका राम जी का नाम जितना लोगे उतना ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और ये मंदिर हमारा, ये बेसिकली तो आप मान लो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर है। हमारे फ़ोन पर मैसेज आ गया कि आप राजस्थान में हैं, तो राजस्थान उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर मान लो आप ये मंदिर। राजस्थान के काफ़ी लोग आते हैं, हम इधर देख रहे हैं गाड़ियाँ काफ़ी राजस्थान की, यूपी, काफ़ी दिल्ली की, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। अब तो सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे 12 बजे की जब आरती होती है तो ये पूरा भरा होता है, ये इधर जगह ही नहीं होती है। अब तो हम शाम का टाइम हो रहा है तो सब, क्योंकि ये अंदर है मैंने बताया, आउटर पे है तो लोग जल्दी चले जाते हैं। चलिए गाइस हम भी चलते हैं फिर। ओम नमो नारायणाय, महादेवाय, वासुदेवाय, केशवाय, रुद्राय, नमो नमः। घर पे गौरव भाई को छोड़ छाड़ के अब पहला व्लॉग था हमारा, तो लाइक करना हमारे व्लॉग को, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, कमेंट करना अच्छे बुरे जैसे भी आपको करने हैं। और ओम नमो नारायण, महादेवाय, वासुदेवाय, केशवाय, माधवाय, रुद्राय, नमो नमः, हर हर महादेव, जय श्री राम।